हेलो बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में इस तरह से एक कंपाउंड दिया हुआ है। कहता है मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन व्हेन गिवन कंपाउंड अंडरगोज हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। सबसे पहले नंबर आपको इसका मिथाइलेशन करना है। तो देखिए मिथाइलेशन मैं यहीं पर कर देता हूँ। इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पर जो है मिथाइल तब तक लगाना है जब तक ये यहाँ पर केटाइन नहीं बन जाए, ठीक है। एग्जॉस्टिव का मतलब, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं तो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब कहता है कि अब इससे जो है बताइए कि कौन सा प्रोडक्ट एलिमिनेशन के बाद बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए जब भी इस तरह से टेट्रा अल्काइल एमीन सिस्टम आता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है E2 एलिमिनेशन होता है, ठीक है। क्या होता है E2 एलिमिनेशन, और ये स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में। तो बेस यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो बस आपको मान लेना है कि कोई बेस स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है। अब इसका जो प्रोडक्ट है स्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। देखिए जिस कार्बन पर लगा हुआ होता है ये, वो अल्फा है, बीटा यहाँ पर है, अल्फा यहाँ है, बीटा यहाँ पर है, अल्फा यहाँ और बीटा यहाँ पर है, ठीक है। अब हमें पता है कि E2 एलिमिनेशन में इंटरमीडिएट नहीं होता है, केवल ट्रांजिशन स्टेट होता है, और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जो है वो ट्रांजिशन स्टेट पर डिपेंड करता है। तो ये बेस क्या करता है, जहाँ पर बीटा पोजिशन है, बीटा पोजिशन से हाइड्रोजन को निकाल के वहाँ पर कार्बन आयंस बनाता है ट्रांजिशन स्टेट में, ठीक है। तो E2 एलिमिनेशन में मैंने आपको हमेशा बताया कि आप क्या करें, है ना, अगर आपको ट्रांजिशन स्टेट पता करना हो, है ना, कि कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल होगा, तो ट्रांजिशन स्टेट में आप बीटा पोजिशन से हाइड्रोजन निकाल के वहां पर कार्बन आयन बना लें और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखिए। तो देखिए एक तो कार्बन आयन यहां पर बनेगा, एक कार्बन आयन जो है आपको यहां पर बनता हुआ दिख रहा है और एक कार्बन आयन यहां पर बनता हुआ दिख रहा है। अब गौर से देखिए तो ये 1 डिग्री का कार्बन आयन है, ये 3 डिग्री का कार्बन आयन है और ये 2 डिग्री का कार्बन आयन है। और हम जानते हैं कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी जो है 1 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री का और फिर 3 डिग्री का। 3 डिग्री का क्यों कम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आई इफेक्ट जो है प्लस आई इफेक्ट इसको मिलने लग जाते हैं। यहाँ देखिए 2CH2 ग्रुप है, यहाँ पर 1CH3 ग्रुप है, तो यहाँ पर दो प्लस आई लग रहा है, यहाँ पर 1 प्लस आई लग रहा है, और यहाँ पर जो है 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री के कारण जो है इसमें सबसे कम प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। तो यही कारण है कि 1 डिग्री का जो एनायन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये यहाँ वाला ट्रांजिशन स्टेट जो है ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ का कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब अल्फा बीटा एलिमिनेशन जो है E2 रिएक्शन के कारण यहीं से होने वाला है, ठीक है। तो प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा और फिर प्रोटॉन के साथ साथ आपको पता है कि E2 एलिमिनेशन में क्या होता है कि हाइड्रोजन के साथ लिविंग ग्रुप दोनों साथ साथ लीव करते हैं, ठीक है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाएंगे और ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा और फाइनली जो है देखिए यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यही आपको मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है। सबसे पहला नंबर तो POCl3 है, ठीक है। तो POCl3 के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, खास करके तब जब क्वेश्चन में खुद अल्कोहल दिया हुआ। तो देखिए यहाँ पर जो है OH वाला ही सिस्टम है, तो ये अल्कोहल है, इसका मतलब ये है कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या करेगा, यहाँ से H2O को रिमूव करेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर बेस भी दिया हुआ है, तो बेस का प्रेजेंस है, इसका मतलब यह है कि एलिमिनेशन होने के चांसेज है, समझ के बात को। अच्छा अब देखिए एक बात और भी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली होता क्या है, मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये ऑक्सीजन जो है ना सबसे पहले नंबर इस फॉस्फोरस पर अटैक करता है और फॉस्फोरस पर अटैक करके यहाँ से Cl- बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो Cl- का जो प्रेजेंस है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, कैसा है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस है। और स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में E2 एलिमिनेशन होता है और E2 एलिमिनेशन में आपको पता है कि NT एलिमिनेशन होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहां से OH तो लीव करेगा ही करेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जब लीव करेगा और एलिमिनेशन होगा, यहां से डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन के बाद एलिमिनेशन होगा, तो वो एलिमिनेशन कैसा होना चाहिए, वो जैसे देखिए यहां पर अगर एसिडिक मीडियम में होता ना, तब यहां पर जो है
पहले आप कार्बोकेटाइन बनाते, ठीक है, लेकिन चूंकि यहां पर सीएल माइनस का प्रेजेंस है, स्ट्रॉन्ग बेस का प्रेजेंस है, पीओसीएल थ्री का प्रेजेंस है, तो ऐसी स्थिति में एलिमिनेशन तो होगा, लेकिन एलिमिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर आपको एंटी एलिमिनेशन करना है। तो एंटी एलिमिनेशन के लिए देखिए OH ग्रुप नीचे दिया हुआ है और जहां पर लगा हुआ है वो अल्फा पोजिशन, तो इसका मतलब बीटा पोजिशन या तो इधर है या तो इधर है। तो बीटा पोजिशन पर हाइड्रोजन जो है ना एंटी के कारण जो है ऊपर होना चाहिए। तो जिस पोजीशन पर हाइड्रोजन हमें एंटी में करने का, बीटा पोजीशन पर जो है हमें मतलब प्लेन के ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है, अपोजिट साइड में, उसी तरफ जो है आपको प्रोडक्ट मिलेगा, समझ गए बात को। तो यहां से OH और यहां से हाइड्रोजन आप निकाल दीजिएगा तो देखिए डिहाइड्रेशन तो हो ही गया और फाइनली जो है एल्कीन आपको यहां पर बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। इधर क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि यहां पर ऊपर में कौन है, ऊपर में मिथाइल है और नीचे में हाइड्रोजन है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही था कि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस को पहचानना था, एंटी एलिमिनेशन था, तो इसी के कारण जो है आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो बच्चों देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में आप देखिए यहां पर अल्कोहल दिया हुआ है और अल्कोहल एसिडिक मीडियम में, अल्कोहल को जब हम एसिडिक मीडियम में हीट करते हैं तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन के अलोंग जो है अल्कीन बनता है, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखिए यहाँ पर, और डिहाइड्रेशन भी होता है, कार्बोकेटाइन भी बनता है, ये सब बात आप जानते हो। तो जब यहाँ पर प्रोटोनेशन होकर है ना भैया, ऑक्सीजन क्या करेगा, सबसे पहले प्रोटोनेशन करेगा तो OH2+ बनाएगा और ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बोकेटाइन यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो जहाँ पर ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ था वो अल्फा पोजीशन था, अब हमें बीटा को ढूंढना है। तो देखिए बीटा पोजीशन पर हाइड्रोजन होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर जो बीटा पोजीशन है यहाँ पर तो हाइड्रोजन है नहीं, बेंजीन रिंग के पास एक ही हाइड्रोजन होता है और उसमें ये लगा हुआ है, यहाँ भी नहीं यहाँ भी नहीं। कुल मिलाकर अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को गौर से देखिए तो बीटा पोजीशन पर हाइड्रोजन आपको केवल यहीं पर दिखेगा और हीटिंग किया हुआ है, तो इसका मतलब अल्कीन तो बनना ही बनना है, ठीक है, अल्कीन बनना ही बनना है, ठीक है। तो जो अल्कीन बनेगा वो मैं इसी में बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ से इसको हटा दीजिए, ठीक है, इसको आप हटा दीजिए और अल्कीन आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, अल्कीन यहाँ पर दिखेगा। तो ये बन जाएगा बच्चों सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, और फिर डबल बॉन्ड सी, इधर तो हो गया पी एच, ठीक है, और इधर मैं एक ग्रुप मान लेता हूँ, एक बड़ा ग्रुप है जी, ठीक है, और इधर भी एक पी एच है और इधर भी एक बड़ा ग्रुप है जी। अगर आप इस गौर से इस चीज को देखिए तो ये एक प्रकार से इवेन क्यूमुलिन है, ठीक है, इवेन क्यूमुलिन है, ठीक है। और इवेन क्यूमुलिन के बारे में आप जानते होंगे कि ये क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, कैसे भाई, वो इस तरह से होता है कि जैसे देखिए यहां पर जैसे पहला कार्बन और दूसरा कार्बन के सिस्टम को देखिए, तो पहला कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है प्लेन में होने वाला है ना, यहाँ पर ये प्लेन में होने वाला है, sp2 है तो प्लेनर ही होगा, ठीक है। अब प्लेनर होगा तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, देखिए ये प्लेनर है तो पाई बॉन्ड जो है ना देखिए वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है, ऐसे, मतलब मैं कैसे समझाऊं आपको, ऐसे देखिए, जैसे कि तो पाई बॉन्ड इस तरह से बना हुआ है, ठीक है भाई, ये प्लेनर मोलेक्यूल हो गया तो पाई बॉन्ड इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है, पहला 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 और दूसरे कार्बन के बीच में। इसका मतलब ये है कि इस पाई बॉन्ड को बनाने में अगर px ऑर्बिटल यूज हुआ होगा तो जो दूसरा कार्बन है उसका भी px ऑर्बिटल ही यूज हुआ होगा, हुआ होगा ना, ठीक है, तो px ऑर्बिटल यूज हो गया। तो अब यहां पर जो ये वाला जो पाई बॉन्ड दिख रहा है, ये वाला पाई बॉन्ड, ठीक है, उस वाले पाई बॉन्ड में px ऑर्बिटल तो यूज नहीं होगा ना, कहने का मतलब है कि लगातार जो पाई बॉन्ड होता है बनता है उसमें सेम p ऑर्बिटल तो यूज नहीं होगा ना। तो यहां पर अगर px ऑर्बिटल यूज में लिया गया है तो यहां पर पी वाई ऑर्बिटल के बीच में पाई बॉन्ड बना होगा, समझ में आ रहा है क्या, पी वाई ऑर्बिटल के बीच में पाई बॉन्ड बना होगा, और चूंकि पी वाई ऑर्बिटल के बीच में पाई बॉन्ड बना होगा तो कहने का मतलब है कि पी वाई इस वाले प्लेन में, सामने वाले प्लेन में है,
पी वाई सामने वाले प्लेन में है, तो जिस प्लेन में है ना, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये आपका पीएच और जी ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है। देखिए 3D अरेंजमेंट है, बस इसमें आप जानते भी होंगे, मैं केवल ये समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि पीएच और जी जो है यहां पर प्लेनर है, और यहां पर पीएच और जी जो है ये एक वेज पर है और ये एक डैश पर होता है ना। तो कहने का मतलब ये इस प्रकार से है, यहां पर पीएच इधर, जी इधर, और इधर वाले में पीएच ऐसे ऊपर है और जी नीचे है। तो जब आप इसको बीचों बीच दो फांक कर देंगे, इसको फाड़ के अलग कर देंगे आप, है ना, तो आपको इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि इधर जो पीएच है और इधर जो जी ग्रुप लगा हुआ है दोनों, है ना, वो अलग अलग है, ठीक है। तो ये ग्रुप अलग अलग होने की वजह से यहां पर पीओएस नहीं है, और चूंकि पीओएस नहीं है तो इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो ये रेसिमिक मिक्सचर के रूप में आपको प्रोडक्ट मिलेगा। समझ में बात? तो वैसे भी देखिए क्यूमुलिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का, तो सभी लोग बताते हैं, तो आप अपने नोट्स में जरूर इसको देखें, ठीक है। बायफिनाइल क्यूमुलिन ये सब तो आया ही था, पहले भी आया था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में बच्चों इस तरह से एक प्रोडक्ट दिया हुआ है। अब कहता है कि रिएक्टेंट के रूप में जो है ना ये चारों का चारों कंपाउंड में से कौन सा होगा, और एज्यूम करना है कि इथॉक्साइड आयन है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब ये हुआ कि E2 एलिमिनेशन है, और E2 का मतलब ये हो गया कि एंटी एलिमिनेशन हुआ है, ठीक है। तो आपको इन चारों में से गेस करना है कि कौन सा कंपाउंड ए है, कौन सा कंपाउंड ए है जिसमें एंटी एलिमिनेशन के बाद आपको ये प्रोडक्ट मिला है। देखिए जैसे मान लीजिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट को ही देखते हैं, देखिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहां भी दिख रहा है। सबसे पहले हम ब्रोमीन को आप देखिए, तो ब्रोमीन कहां पर है बच्चों? अल्फा पोजिशन ये हो गया, ठीक है, और ब्रोमीन प्लेन के नीचे है, ब्रोमीन जो है प्लेन के नीचे है, और एंटी एलिमिनेशन होना है तो बीटा पोजीशन पर हाइड्रोजन जो है प्लेन के ऊपर होना चाहिए, जो कि यहां पर दिख रहा है। तो जो कि यहां पर दिख रहा है ना कि भाई हाइड्रोजन जो है प्लेन के ऊपर है और ब्रोमीन प्लेन के नीचे है, और दोनों अल्फा बीटा पोजीशन पर जो है एंटी टाइप का सिचुएशन बना भी रहे, तो इसका मतलब यहां पर एलिमिनेशन होगा इस स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में, और स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होगा तो डबल बोन यहां पर बनेगा। तो गौर से देखिए तो यही अपना करेक्ट आंसर निकल गया। इसके बारे में चलिए सोचते हैं, ब्रोमीन देखिए कहां पर है, प्लेन के ऊपर है, बीटा पोजीशन पर। जब ये ब्रोमीन प्लेन के ऊपर है तो बीटा पोजीशन पर हाइड्रोजन कहां होना चाहिए? नीचे होना चाहिए, तो यहां ऊपर है तो नहीं होगा एलिमिनेशन। नया समझ में? यहां देखिए गौर से, ब्रोमीन देखिए प्लेन के ऊपर है तो बीटा पोजीशन पर हाइड्रोजन मौजूद ही नहीं, तो यहां नहीं होगा। ब्रोमीन देखिए प्लेन के नीचे है और बीटा पोजीशन पर हाइड्रोजन मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आंसर क्या हो जाएगा?